चाहिए कि जिस तरह कल तीसरी बार इंदौर ने स्वच्छता सर्वेक्षण में अवार्ड जीता है और फाइनली हैट्रिक लगवा लिया है, उसी तर्ज पर इंदौर के अधिकारी मनीष सिंह और आशीष सिंह ने इंदौर को स्वच्छ बनाने में अपना बखूबी किरदार निभाया है। इंदौर ने तीसरी बार हैट्रिक बनाई है, उसकी मिसाल पूरे भारत में मिलना बेहद कठिन है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है इंदौर नगर निगम के दो अधिकारी जिन्होंने इंदौर शहर में एक नया इतिहास रच दिया है। इनके नाम है मनीष सिंह और आशीष सिंह। मनीष सिंह के बारे में कहा जाता है कि वह कैसे ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो कब सोते हैं कब उठते हैं किसी को नहीं पता, क्योंकि वह तो रात को 2 बजे तक भी इंदौर की सड़कों पर यह देखते हुए नजर आए कि सफाई बराबर हो रही है या नहीं। उनके अशक्त परिश्रम का ही नतीजा था कि इंदौर की शक्ल पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने नगर निगम में काम करने की एक नई संस्कृति का सर्जन किया। यही वजह रही कि देखते ही देखते गंदगी से घिरा रहने वाला शहर देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया। जब मनीष सिंह इंदौर से उज्जैन चले गए तो फिर आया आशीष सिंह, और आशीष सिंह भी अपनी कार्यशैली को लेकर बहुत प्रसिद्ध हुए। उन्होंने इंदौर शहर में कई ऐसे कार्य कराए जिसके कारण इंदौर को फिर से हैट्रिक बनाने की मदद मिली। इंदौर का कोई इलाका ऐसा नहीं था जहां दीवारों पर सुंदर चित्र न उकेरे गए। अतः आशीष सिंह की मेहनत का परिणाम यह रहा कि इंदौर ने हैट्रिक बनाकर एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसने पूरे देश में इंदौर का नाम ऊंचा कर दिया। हमारे अधिकारी बंधु भी जी जान से लगे रहते हैं। इंदौर के जो सफाई मित्र हमारे, उन्होंने भी बहुत परिश्रम किया इंदौर को नंबर वन लाने में। सबके सामूहिक प्रयास का नतीजा है इंदौर नंबर वन। हमारे जामाज आयुक्त आशीष सिंह जी भी हमारे विषय बता रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। निशा शर्मा जी, रीता शर्मा जी पार्षद भी हैं, मेरी मंच पर बता रहे हैं रीता शर्मा जी। परिभाषित करने की कोशिश करते हैं तो शब्द ढूंढना मुश्किल हो जाता है। एक शहर को जीने और महसूस करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन अभिव्यक्त करने की बारी आती है तो इंदौर के लिए भी नीति नीति जैसे शब्द निकलते हैं। हर बार यह अपने आप को शब्दों के परकोटों से बाहर खड़ा कर लेता है। हम उससे एक बात सीखते हैं और वह 10 ऐसी मिसाल खड़ी कर देता है कि आश्चर्य और गर्व करने के अलावा कुछ बाकी नहीं रहता। वास्तव में इंदौर जमीन के टुकड़े की किसी बसाहट का नाम नहीं है, वह एक संस्कृति, संस्कार, आचार विचार और जीवन शैली का मिश्रण है जिसमें लड़ने का मद्दा आता है, हासिल करने का जुनून है और तमाम प्राप्तियों को सबके साथ साझा करने की संवेदना है। सुख दुख की हर घड़ी में इंदौर हमेशा एक दूसरे के साथ हाथ मिलाए खड़े नजर आता है। घरों के बीच दीवारें भरी खड़ी हो लेकिन दिलों के बीच कोई बाधा नहीं है। ठिठुरती ठंड में आधी रात को लोग फुटपाथ पर सोए लोगों को कंबल उड़ाने पहुंच जाते हैं। अस्पतालों में बिना नाम पता बताए मरीजों को दवाई, उनके परिजन के लिए भोजन आदि का इंतजाम करते हैं। एक दुर्घटना होती है तो पूरा शहर खून देने के लिए लाइन लगवा कर खड़ा हो जाता है। किसी बेटी के साथ दुर्व्यवहार होता है तो उबल पड़ता है पूरा इंदौर, सड़कों पर उतर आता है इंदौर। हमारे जश्न, व्रत, त्योहार, उत्सव, संवेदनाएं, प्यार, अपनापन, जुनून, शर्म, गुस्सा, घृणा सब साझा है। यही हमारी विरासत है और यही हमारे सबसे बड़ी ताकत है। यही हमें दुनिया के हर शहर से अलग और बेहद बनाता है, वरना कोई वजह नहीं दिखती कि देश के 4,237 शहर प्राणपण से भिड़कर लगातार 3 साल तक हमारा मुकाबला नहीं कर पाए। आज ठिटक कर देखते हैं तो पता चलता है कहाँ थे हम, सूची में कितने पीछे थे हम। जिक्र करने में भी शर्म आती थी लेकिन हमने शर्म का लबादा ओढ़कर उसके पीछे मुंह छुपाने की कोशिश नहीं की। कुदाल थामी, फावड़े उठाए, तगारिया हाथ में ली, झाड़ू पकड़कर सड़कों पर आ गए। मैसूर ने 2 बार किला लड़ाया लेकिन अफसरों के इधर उधर होने से व्यवस्था डगमगा गई। ताज गवा दिया लेकिन इंदौर ही इंदौर रहा। एक बार माथे पर सिरमौर का ताज पहना तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर बार चुनौती बढ़ती गई, बड़ी होती गई लेकिन हमारा हौसला नहीं टिका। हम दोगुना ताकत से जुट गए, अफसरों के तबादले हुए, व्यवस्था बदलती गई, प्रदेश का नेतृत्व बदला, मगर इंदौर नहीं बदला। लोकमान्य नगर भागीनी मंडल परमाणु नगर जैसे उदाहरण गली गली का किस्सा बन गया। सारे बाजार सराफा और 56 दुकानें हो गई जहां हजारों लोग स्वाद का जश्न मनाते आते हैं लेकिन लेशमात्र की गंदगी नहीं छोड़ते। हम सड़कों पर जुलूस निकालते हैं लेकिन
पीछे झाड़ू लेकर चलते हैं। यहाँ तक कि अंतिम यात्रा के बाद चंद मिनटों में सफाई कर दी जाती है। दुनिया के लिए रात आराम के लिए होती है और इंदौर के लिए देर रात को ही सफाई का जश्न शुरू होता है। यह इंदौर ही है जहाँ घरों का कचरा घर में ही खत्म होने लगा है। ट्रेचिंग ग्राउंड बदबू के पहाड़ से पर्यटन स्थल में बदल चुका है। मंदिर सफाई के भी तीर्थ बन गए और कचरा शहर भी कमाई का जरिया बन गया। इन्हीं सामूहिक कोशिशों का नतीजा है कि सफाई का इंदौर मॉडल पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन चुका है। इंदौर का नंबर वन बनना इंदौर और इंदौरियत की जीत है। इस अवसर पर यही दुआ निकलती है कि शहर का यह जज्बा भर कायम रहे। दुनिया के तमाम लक्ष्य हमारे आगे बोने हैं। सफाई के देश की पहली हैट्रिक मुबारक हो मेरे इंदौर। इंदौर ने तीसरी बार हैट्रिक बनाई है, उसकी मिसाल पूरे भारत में मिलना बेहद कठिन है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।